हाय किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 0 to 1 year बेबीज के लिए आपको कौन से टॉयज नहीं लेने हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए आपको ज़्यादा टॉयज लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टॉयज़ पे। घर में जो चीज़ें होती है मोस्टली किचन की चीज़ें, वो उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं। स्पून हो गया या कटोरी हो गया, तो बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट है हमारे लिस्ट में प्लेमैट। प्लेमैट अगर आपको लेना भी है तो आप 0 to 4 month के बीच की बेबीज़ के लिए आप लीजिए, क्योंकि तब बच्चों की एक्टिविटीज़ सेम प्लेस में ही होती है। जैसे बच्चों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, वो 5 to 6 months के हो जाते हैं, तो उनके एक्टिविटी भी चेंज होती रहती है। उनका पलटना, स्क्रोल करना, वो एक जगह पे ज्यादा रहते नहीं है, तो उनका प्लेमेट में इंटरेस्ट कम हो जाता है। फोर्थ है डांसिंग डॉग। कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चे ये डॉग से डरते हैं। फिफ्थ है बाथ टॉयज। बाथ टॉयज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास टॉयज है वही आप बच्चों को दे सकते हो खेलने के लिए। एंड जो आपकी चाय की छन्नी रहती है वो आप दे सकते हो बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है जो प्लास्टिक की चाय की छन्नी रहती है। सिक्स्थ है रेगुलर सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज आप ले सकते हो बच्चों के लिए, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज आप मत लीजिए। बच्चों का घर है बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज, ये भी वो समझ में ही नहीं आता है कि उनसे कैसे खेलना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सॉफ्ट टॉयज मत लीजिए, आप लीजिए सॉफ्ट टॉयज, उसमें से एक एलिफेंट लीजिए, बिकॉज एलिफेंट ही आपको हेल्प करता है जब बच्चे सिटिंग के पोजिशन में आता है, क्योंकि बच्चे लेफ्ट राइट पीछे आगे सभी यहाँ पे गिरता ही रहता है जब भी वो बैठने की कोशिश करता है। तो एलिफेंट के बीच में अगर आपने उनको सिटिंग अरेंजमेंट सिखा दिया उनके पैर के बीच में, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। सेवेंथ है किचन सेट। अगर आपके घर पे लड़की है तो आप किचन सेट लेते ही हो, बट मैं यही बोलूँगी जो हमारे किचन में है वही आप टॉयज दीजिए फर्स्ट, और जब वो बड़े होते हैं आफ्टर द 1 year के बाद उनको फिर आप किचन टॉयज लेके दीजिए, तो वो बच्चे समझते हैं कि कैसे उनको उसके साथ खेलना चाहिए। देखा जाए तो सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये मैंने पूरे वीडियो में मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये मुझे लगता है। बट अगर आपका बच्चा एंजॉय करता है ये सारे टॉयज के साथ, तो ये टॉयज आप डेफिनेटली उनके लिए लीजिए। सो दिस इज अप टू यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।